हेलो गाइस, इस सेशन में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। सो लेट्स गो। ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया था। व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, डिस्कस एनी एनवायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। पहले ये बताना है इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है, दूसरा क्या है इम्पॉर्टेंट, इसको क्यों स्टडी करना है, और थर्ड है कोई एक इन्वायरमेंटल इशू को डिस्कस करना है इन्वायरमेंटल एथिक्स के व्यू पॉइंट से। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं और तीन को अलग अलग तरीके से डील करना है। वाइल ये है एक क्वेश्चन में। अब फर्स्ट पार्ट को हम इसको डील करते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंटल एथिक्स वो फील्ड है जिसमें हम कुछ बिहेवियर्स को देखते हैं जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कहीं हमारे आसपास पेड़ कट रहे हैं बट हमें बुरा लग रहा है और हम बिल्कुल ये चीज़ पसंद भी नहीं करते हैं कि यार कोई पेड़ कटे, डेवलपमेंट हो रहा है, फिर हमारा हमारे अंदर से याद आ रही यार कितने पेड़ कट जाएंगे। तो ये बिहेवियर्स हैं और फिर हम शो भी करते हैं कि नहीं यार ये नहीं कटना चाहिए, भले हाईवेज बन जाए बट जो पेड़ कट गए हैं उसको और कहीं लगा दिया जाए, या फिर जो जितने पेड़ काटे उससे डबल हम या ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स लगाएं, ये होना चाहिए। तो ये है डेवलपमेंट। तो ये जो हम थॉट है और ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं ये ही इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंडर आते हैं। अब ये इन्वायरमेंटल एथिक्स अब कंसर्न सिविल सर्विस पे आता है कि ये क्या है। ये ऑफ़र करती है एक मॉरल गाइडेंस, एथिकल सपोर्ट जो कि इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए है। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब उनको भी ये लगता है कि नहीं यार इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, बच्चे हैं आज वो भी बोलते हैं कि आप पेड़ लगाना चाहिए हमें, तो ये एक मॉरल गाइडेंस देता है। तो ये एक चेंज है जो कि इन्वायरमेंटल एथिक्स की वजह से आ जाता है। नाउ इट इज़ कंसर्न विद पर्सनल कंडक्ट रिलेटेड विद नेचर। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कैसे हमारा हार्ट बोलता है कि नहीं यार नेचर इज इम्पॉर्टेंट। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, अब पता करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको डील कर सकते हैं और कोई चेंजेस भी ला सकते हैं। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, सस्टेनेबल सॉल्यूशन एनवायरमेंट के लिए अगर हम कुछ स्टडी करेंगे तो हम बहुत सारे सॉल्यूशन ला सकते हैं कि किस तरह से हम डेवलपमेंट करें, किस तरह से हम एक्शन लें ताकि हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, COP28 अभी हुआ है दुबई, तो इट्स अ स्टार्टिंग और ऐसे ही सॉल्यूशन आते हैं। और सबसे सेकेंड पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं ये हम डील कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स एनवायरमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें सभी को एक रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट अगर हम स्टडी करें तो ये एक इम्पैक्ट डाल सकता है, ऑफकोर्स डालेगा ही, बट इसको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉर एनवायरमेंट, चिपको मूवमेंट ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल है, क्योंकि अच्छा डिसीजन तभी लिया गया क्योंकि वो कम्युनिटी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल थी कि नहीं आई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पेड़ों को बचाना है, हम नहीं काटने देंगे, एंड दे स्टैंड बाय दैट। तो वो बिल्कुल खड़े रह गए नहीं है, बिल्कुल चारों तरफ से पेड़ों को हक कर लिया था। तो ये व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ डिस्कस एनी वन एनवायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, तो मैंने डिफॉरेस्टेशन को किया है। डिफॉरेस्टेशन को क्लियर करना है लैंड को, फिर जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये एक थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और इंडिजिनियस कम्युनिटी के लिए। अब इसमें बहुत सारा लिख सकते हैं बट हमें लिमिट भी ध्यान देना है। तो जैसे अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसके वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट होगा, उसके वजह से फ्लड आ सकता है। तो ये सब थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है, तो
तो अब हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, एक एथिकल कंसर्न होना चाहिए एनवायरनमेंट के प्रति। एट लास्ट दिस इज़ द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे अपने मेरे जीमेल अकाउंट पे सेंड कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू वेरी मच।